गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हार्दिक शर्मा आपको स्वागत करता हूं हमारे आज के इस प्रेजेंटेशन में, जिसमें हम कवर करेंगे 21 और 22 तारीख का करंट अफेयर। तो दोस्तों, 2 दिन का करंट अफेयर हम कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, इंपॉर्टेंट डेट्स और आज की हमारी कंट्री। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हम आपका प्रेजेंटेशन। सबसे पहले ग्रुप ऑफ सेवन दोस्तों एक इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंट इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें 7 मेजर इकोनॉमिकली रिच कंट्री जो है इसका मेंबर्स हैं, जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूएसए इन्वॉल्व हैं। और 1975 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। इसका जो 45th समिट है वो फ्रांस 2019 में हुआ था। 46th समिट जो है इसका वो यूएसए में होने वाला था 2020 में, और 47th समिट जो है इसका वो यूके में होगा 2021 में। आज की दोस्तों जो हमारी कंट्री है वो है अमेरिका, आप जानते हैं यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। कॉन्टिनेंट जो है दोस्तों एक नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है, और इसकी कैपिटल वॉशिंगटन डीसी, डीसी यानी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया इसकी कैपिटल है। करेंसी जो है यहाँ की डॉलर है। प्रेसिडेंट अभी डोनाल्ड ट्रंप है, अभी वहां पर इलेक्शन होने वाले हैं, तो देखते हैं नया कौन बनेगा, यही बनेंगे या कोई और बनेगा। यहाँ की जो नेशनल लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। यहाँ के जो अपर हाउस है उसे सीनेट कहा जाता है, और जो यहाँ का लोअर हाउस है उसे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो है कहा जाता है। तो ये था हमारा आज की कंट्री के बारे में। अब देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओ माई गॉड, आज क्वेश्चन का साथ में ही है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन जो है वो है नाकुला पास कहाँ पर है। तो नाकुला पास जो है दोस्तों वो सिक्किम में आता है, और अभी दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर जी की 159th एनिवर्सरी थी, बर्थ एनिवर्सरी थी। तो इसी उपलक्ष पे किसी कंट्री ने रविंद्रनाथ जी टैगोर के ऑनर में एक रोड का नाम जो है रखा, तो वो कौन सी कंट्री थी। तो दोस्तों इसका जवाब है इसराइल में जो तेल एलवी जगह है वहां पे जो एक रोड है उसका नाम रविन्द्रनाथ टैगोर स्ट्रीट रखा गया है। अब आप दोस्तों बताइएगा कि जो ये इनकी 159 बर्थ एनिवर्सरी किस दिन आई थी, जरूर कमेंट करके बताइएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, डल लेक कहां पर है। तो डल लेक जो है दोस्तों वो है श्रीनगर में। चलिए दोस्तों अब इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देख लेते हैं। जो हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, वो यूरोप में रशिया में होने वाली जो है परेड जो मॉस्को में होने वाली है, जो कि 75th एनिवर्सरी के सेलिब्रेशन के लिए होगी, 75th एनिवर्सरी ऑफ विक्ट्री ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के उपलक्ष में होगी, उस पर रक्षा मंत्री जो है हमारे राजनाथ सिंह जी भी भाग लेंगे। इसी के साथ है दोस्तों हमारे यहाँ के 75 मेंबर्स जो तीनों सर्विसेज से बिलोंग करते हैं, नेवी, आर्मी और एयरफोर्स, इनके मेंबर्स भी भाग लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ दोस्तों क्वेश्चन बनता है कि वर्ल्ड वॉर टू किस दिन खत्म हुआ था, किस दिन वर्ल्ड वॉर टू की विक्ट्री हासिल करी गई थी, ये क्वेश्चन का जवाब आप जरूर दीजिएगा। और अगर नहीं पता हो तो कल का वीडियो देख लीजिएगा, उस पर हमने डिस्कस करा था यह। चलिए अब देखते हैं दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी ने दोस्तों अभी गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत करी है। इसकी शुरुआत दोस्तों बिहार की डिस्ट्रिक्ट है खागड़ा, वहां से जो है उसकी शुरुआत हुई है। और ये जो अभियान है ये 116 डिस्ट्रिक्ट्स में होगा, जिसमें 25,000 जो रिटर्निंग माइग्रेंट वर्कर हैं 6 स्टेट्स में, जिसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और उड़ीसा, यहाँ पे ये इन डिस्ट्रिक्ट्स पे ये अवेलेबल रहेगा, अप्लाई रहेगा। और ये कैंपेन जो है ये 125 दिन का होगा, और इसमें फोकस रहेगा 25 टाइप के डिफरेंट वर्क्स का, जो कि एम्प्लॉयमेंट जो है प्रोवाइड करवा सके माइग्रेंट वर्कर को। तो इसकी शुरुआत जो है दोस्तों यहाँ से हुई है खागड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार से, और इसमें 116 डिस्ट्रिक्ट इन्वॉल्व है, जिसमें 25,000 जो माइग्रेंट वर्कर हैं वो इसमें कवर होंगे, और बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और उड़ीसा जैसे 6 स्टेट को ही कवर करेगा, ये यहाँ पे नोट करने वाली बात है। आगे दोस्तों जो हमारे यहाँ की जो हमारी गवर्नमेंट है उसने तकरीबन 1,000 खेलो इंडिया सेंटर्स जो है
डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऑल ओवर द कंट्री एस्टेब्लिश करने की बात करी है। इन सेंटर में दोस्तों जो पास चैंपियन रहे हैं या तो इन्हें वो रन करेंगे या इनमें वो कोचिंग देंगे, तो इससे उनकी अर्निंग के लिए बारे में भी जो है बात की जा रही है। तो दोनों को बेनिफिट मिल जाएगा, प्लेयर्स को भी और यहाँ की अथॉरिटी को भी और कोचेस को भी। आगे दोस्तों 21 तारीख को दोस्तों हम सब ने देखा रिंग ऑफ फायर सोलर एक्लिप्स। दोस्तों ये होता है रिंग ऑफ फायर, जो रिंग ऑफ फायर सोलर एक्लिप्स जो होता है वो कुछ इस तरह का दिखता है, जिसमें दोस्तों क्या होता है कि जो मून है वो सन को इस तरह कवर अप कर पाता है कि उसके आजू बाजू या रिंग देख रहे होंगे, ये जो रिंग है ब्राइट चमकती हुई, इसे बोलते हैं रिंग ऑफ फायर। तो ऑलमोस्ट जो है वो मून जो है इसको कवर कर लेता है, बट इसके आजू बाजू है सूरज की रिंग्स बनती हैं, तो उसे रिंग ऑफ फायर सोलर इक्लिप्स कहते हैं। ये होता दोस्तों क्या है कि ये जो सोलर इक्लिप्स होता है इसमें मून अर्थ और सन ये एक लाइन में आ जाते हैं, और भी सोलर इक्लिप्स होते हैं पर उसमें कभी भी ये तीनों एक लाइन में पूरी तरह प्रॉपरली नहीं आ पाते। जो ये वाला सोलर इक्लिप्स हुआ है इसमें मून सन और अर्थ एक लाइन में प्रॉपरली आ गए हैं, और इस समय जो मून है वो अर्थ की पेरिजी पर है। पेरिजी मतलब दोस्तों अभी इंडिया के मतलब वर्ल्ड के वर्ल्ड से मतलब ये अर्थ से मून है सबसे दूरी पर है इस समय। पेरिजी वो पॉइंट है फार्देस्ट पॉइंट, फार्देस्ट डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून। तो वहां पे क्या हो रहा है दोस्तों, उसकी वजह से जब ये एक लाइन में आएंगे, आए थे जब ये 21 तारीख को, तो सन मून जो है जो यूजुअली थोड़ा छोटा अपीयर हो रहा था अर्थ, क्योंकि वो दूर था, तो इसकी वजह से एक रिंग सी जो है सन की अपीयर हो रही थी बैकग्राउंड से, तो इसे बोलते हैं रिंग ऑफ फायर सोलर इक्लिप्स। और 21 तारीख को दोस्तों सबसे बड़ा भी दिन था, लॉन्गेस्ट डे इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर भी था। चलिए आगे चलते हैं। अभी ब्लूमबर्ग बिलियनर इंडेक्स की घोषणा हुई, जिसमें बताया गया कि जो मुकेश अंबानी है चेयरमैन ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, उनकी जो दोस्तों अभी कैपिटल है वो तकरीबन 64.5 मिलियन डॉलर का है, और ये वर्ल्ड के 9th रिचेस्ट पर्सन जो है ब्लूमबर्ग बिलियनर इंडेक्स में जो है बन चुके हैं, और ऐसे सिर्फ एशिया के एकलौते टॉप 10 में एशियन टाइकून है। तो एशिया के ये ओनली पर्सन है जो कि टॉप 10 रैंकिंग में है ब्लूमबर्ग बिलियनर इंडेक्स में, 9th पोजीशन है इनकी। नेक्स्ट है दोस्तों, अभी अडानी ग्रुप को दोस्तों एक टारगेट जो है एक अडानी ग्रुप में और इंडियन एयरफोर्स में एक डील हुई है, इंडियन एयरफोर्स में नहीं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में एक डील हुई है, जिसमें कि अडानी ग्रुप की एक कंपनी है जो कि इंडियन एयरफोर्स चॉपर्स की जो पायलट है उनको सिमुलेटर होगा उस पर ट्रेनिंग देगी। तो ये जो फ्लाइंग जो है ट्रेनिंग दी जाएगी सिमुलेटर पे 20 साल तक के लिए। तो ये जो डील हुई है ये हुई है अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजी लिमिटेड, जो कि एक अडानी जो है अडानी डिफेंस सिस्टम की एक सब्सिडियरी है, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के बीच में, जिसमें पायलट को तकरीबन 12,000 आवर्स की जो है 1200 आवर्स की जो है ट्रेनिंग दी जाएगी। और ये ऐसी दूसरी डील है दोस्तों, इससे पहले मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और महिंद्रा डिफेंस सिस्टम में ये डील हुई थी ये प्राइवेट सेक्टर में 2017 में, जिसमें कि जो इंडियन एयरफोर्स के पायलट हैं जो कि C-130J के पायलट थे उन्हें सिमुलेटर पे जो है वो ट्रेनिंग दी गई थी महिंद्रा डिफेंस सिस्टम के द्वारा हिंडन एयरफोर्स जो कि दिल्ली में था। तो ये प्राइवेट अगर दें प्राइवेट सेक्टर में ये दूसरी ऐसी डील हुई है जो कि अडानी ग्रुप ने ऑक्यूपाई करी है। नेक्स्ट है दोस्तों, अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और AIIB यानी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने तकरीबन 750 मिलियन यूएस डॉलर की जो है वो डील करी है, जो कि उन्हें ये जो डील हुई है एग्रीमेंट हुआ है ये COVID-19 असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा इंडिया को। अगर हम इसकी बात करें दोस्तों AIIB यानी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की, तो इसका हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है और ये एशिया और ओशिया रीजन में सर्व करती है। इसके 102 मेंबर्स हैं और 16 जनवरी 2016 में इसका फॉर्मेशन हुआ था
और इसके जो करंट प्रेसिडेंट हैं वो है लिंक्विन। आगे दोस्तों, अभी कुछ पिछले दिनों दोस्तों जो जगन्नाथपुरी की यात्रा थी वो पोस्टपोन हो गई, कैंसिल हो गई थी, और उसी को देखते हुए दोस्तों अभी कावड़ यात्रा जो है उसे भी पोस्टपोन कर दिया गया है कोविड-19 क्राइसिस को देखते हुए। कावड़ यात्रा दोस्तों एक एनुअल पिलग्रिमेज की तरह होता है, और इसमें क्या होता है कि लॉर्ड शिवा को मानसून के महीने में जो है गंगा का वाटर जो है हरिद्वार से लिया जाता है, और उसे कंधे पर रख के अलग अलग ज्योतिर्लिंगों पर चढ़ाया जाता है। तो हरिद्वार जो कि उत्तराखंड में है वहां से गंगा का पानी लिया जाता है, जुलाई के महीने में ये होता है, और जगह जगह जहां ज्योतिर्लिंग की आते हैं वहां पे चढ़ाया जाता है। तो ये यात्रा जो है काफी बड़ी यात्रा होती है, ऑल ओवर इंडिया ये यात्रा चलती है, तो इतनी बड़ी यात्रा को अभी करवा पाना सही नहीं रहेगा। इस दृष्टि से देखते हुए कोविड-19 की वजह से ये यात्रा को पोस्टपोन कर दिया गया है। नेक्स्ट दोस्तों, अभी जम्मू कश्मीर के कुलगाम सेक्टर में अभी एक एनकाउंटर हुआ था और जिसमें एक टेररिस्ट की मौत हो गई है। ऐसे कुलगाम, सोफियान, काफी एनकाउंटर जो है इस दौरान कश्मीर में हो रहे हैं, और बखूबी से हमारी आर्मी, हमारी जो JNK की पुलिस है, ये मिल के CRPF के जवान, राष्ट्रीय राइफल के जवान मिल के जो है इनका करारा जवाब दे रहे हैं। आगे दोस्तों, अभी फ्लाइंग ऑफिसर है अनुराग नैन, उन्हें सॉर्ड ऑफ ऑनर मिला है एयरफोर्स एकेडमी से। अभी वो पास आउट हुए हैं एयरफोर्स एकेडमी से, और ये उसमें फर्स्ट आए थे मेरिट बैच में, और उन्हें इंडियन एयरफोर्स की फ्लाइंग ब्रांच में भी कमीशन कर लिया गया है। तो उन्हें जो दोस्तों इस मेरिट पे आने के लिए सॉर्ड ऑफ ऑनर का जो है अवार्ड दिया गया है। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट डेट देख लीजिए जो पिछले वीक रही। 14 तारीख को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे था, 15 तारीख को वर्ल्ड विंड डे था, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे 20 तारीख को था, और 21 तारीख को जो अभी बीता इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, वर्ल्ड म्यूजिक डे, वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे और फादर्स डे। ये चार इंपॉर्टेंट डेज एक ही दिन पड़े। तो दोस्तों ये था हमारा आज का प्रेजेंटेशन जिसमें हमने कवर करा इंपॉर्टेंट डेट्स के साथ साथ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और हमारी आज की कंट्री जो कि थी USA। मुझे उम्मीद है कि आपको ये हमारा प्रेजेंटेशन अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों आपको ये हमारा सेशन अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, कुछ कमेंट हो, कुछ सुझाव हो तो जरूर हमें बताइएगा, हम उस पर वर्कआउट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द टुडेज शो एंड हैव अ नाइस डे दोस्तों।